बाहुबली अतीक अहमद के बेटे अली अहमद के साथ रहने वाले गुर्गो का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें यह दिखाई दे रहा है कि फैज़ आलम वहां पर घेरे में है और जेसीबी से बाउंड्री गिराई जा रही थी। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि अतीक अहमद के बेटे के कहने से ये दबंग लोग आए और ज़बरदस्ती जेसीबी से बाउंड्री गिराया। जमीन पहले अतीक अहमद की बीबी सजिता परवीन के नाम लिखने कहा, अगर हम पीड़ित ने नहीं माना तो उनसे 5 करोड़ की रंगदारी की बात कही। जिसी मामले को लेकर पीड़ित ने किसी तरीके से जान बचाकर करेली थाना पहुंचा और वहां से फोर्स लेकर पहुंचा तो गुर्गे वहां से भागने लगे, जिसमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। बताया जा रहा है कि वो अतीक के ही गुर्गे हैं जिन्होंने ज़मीन कब्जा करने की नीयत में यहाँ पर आए थे। सभी अतीक के बेटे समेत लगभग 7 लोगों के ऊपर यह मुकदमा पंजीत किया गया है। पुलिस फोर्स अतीक के बेटे की तलाश के लिए दबिश लगातार दे रही है। वीडियो में यह साफ दिखाई दे रहा है कि पीड़ित पक्ष लगातार यह चिल्ला रहा है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई, जिसको लेकर वह थाने पहुंचा और सभी के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत किया।